अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है होंगे बिल्कुल, क्योंकि आजकल का वेदर जो है पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगहों पर तो बहुत गर्म है, लेकिन हम लोग रहते हैं यूके में, तो यूके में बेसिकली समर जो आता है ना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज एक और दिन आपको बताया जाए कि यूके में समर को कैसे इंजॉय करते हैं। तो हम लोग घर से बाहर निकल रहे थे तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई और आपके साथ शेयर करूंगी आज हम लोगों ने क्या क्या किया। तो हम सबसे पहले बाहर निकले, आप देख सकते हैं व्यू देख सकते हैं, ये शाम का कुछ टाइम है, 8 साढ़े 8 हुए होंगे। तो हम लोग बाहर निकले बच्चों को लेकर, क्योंकि समर में हम लोगों को, जैसे पाकिस्तान में लोग विंटर को इंजॉय करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे समर को बहुत इंजॉय करते हैं। समर में यहाँ का व्यू, समर में यहाँ का एटमोसफियर, समर में बच्चे बड़े सब बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे ना एक लेक है, वहाँ पे बहुत सारी ना डक्स होती हैं और ना बच्चे इंजॉय कर रहे होते हैं, बड़े आते हैं फिर डक्स को फीड भी करवाते हैं। तो हम भी अक्सर ऑन ऑफ यहाँ पर आते हैं। तो आज ये व्यू इतना माशाल्लाह खूबसूरत, और आप देखेंगे और डक्स हैं, वैसे तो यहाँ पर कोई भूखा रहता नहीं है डक्स वक्स या कोई भी, लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं, कोई फिशिंग कर रहा होता है और कोई यहाँ पे डक को फीड कराता है। तो हम लोग भी अक्सर आते हैं बच्चों को लेके, बच्चे बहुत खुश होते हैं, जो है ना परिंदों को जानवरों के साथ बहुत अटैच होते हैं बच्चे, उनको सिखाना भी चाहिए ये चीज़ें। तो हम भी एक कॉर्नफ्लेक्स का डिब्बा लाए थे, हमने खोला और फिर हम लोग डक्स को ये देखें फीड कराएंगे, बच्चे कराएंगे। और देखें आप, और वेदर इतना खूबसूरत और डक्स यहाँ पर, और कोई फिशिंग कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तो ये देखिए हम डक्स को खिलाएंगे और डक्स बहुत इंजॉय करती हैं। अभी हल्के हल्के से आराम से धीरे धीरे से आ जाएंगी इधर की तरफ। तो आप देख सकते हैं, और ये मेरा बेबी, ये भी डाल रहा है, इसको बहुत आदत है, इसको कभी बर्ड्स को खाना डालना है तो कभी डक्स को डालना है। ये माशाल्लाह बहुत खुश होता है, बहुत बच्चे जानवरों से और परिंदों से बहुत अटैच है। और ये जो व्यू है ना इतना खूबसूरत है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये हर मतलब कुछ जगहों पर, हर लंदन के हर कोने में ऐसा थोड़ा थोड़ा, हर शहर सिटी में इस तरह के लेक्स बनाई हुई हैं, लोग आते हैं बैठते हैं रिलैक्स होते हैं, बहुत अच्छा एक पुरसकून सा माहौल है। कोई स्विम कर रही है डक और कोई बाहर है, तो थोड़ा सा आगे जाकर भी चलते हैं तो वहां पे भी ये देखें, ये जो आदमी है ना ये फिशिंग कर रहा है अपने बच्चे के साथ। देखें ये आई है बाइक, फट से आई है और फट से चलेगी। तो चले अब हमने डक्स को गिला बिला दिया है, तो अब हम थोड़ी सी वॉक करेंगे और निकलेंगे, और हमें जाना है एक और जगह पे। मैं आपको सिर्फ आज का ये दिखाना चाहती हूँ कि समर यूके में खेल जाता है, बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। तो अब निकलते हैं हम अपनी गाड़ी लेके, थोड़ा सा हमने साइड पे पार्क की हुई थी, तो वेदर और जगह देख लें कितनी ग्रीनरी है। बस हम दूसरी साइड पे अब जा रहे हैं, एक और पार्क है, वहाँ कॉन्सर्ट चल रहा है, तो मैं आपको वो कॉन्सर्ट दिखाती हूँ। पार्क के अंदर बहुत लोग बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, शाम का टाइम देखिए, ये कोई 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। तो अब थोड़ी थोड़ी सी ना रात, थोड़ा दिन ढलने वाला है। और ये देखें यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे देखें लोग इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ पे एक कॉन्सर्ट हो रहा था, यहाँ बैंड शैंड गाने शाने बजाए जा रहे हैं, और यहाँ पर आज मैच भी था, मैं लेट आई तो मैच हो गया ख़त्म, तो यहाँ पे आज क्रिकेट मैच भी था। अब ये वाइंड अप कर रहे हैं घर जाने की तैयारियों में, तो फिर हमेशा ही ये होता कि मैं कहीं जाऊँ ना लेट ही पहुँचती हूँ, टाइम पे कभी नहीं पहुँची, ये पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए आइसक्रीम वाली वैन, बच्चे आइसक्रीम भी खा रहे हैं, यहाँ बच्चों बड़े लोग पिकनिक मना रहे हैं, खा पी रहे हैं, पास में एक कैंटीन भी है। फुल रिलैक्स चिल माहौल में गाने सुने जा रहे हैं,
आप लोग भी समर में इसी तरह एंजॉय करते होंगे डेफिनेटली। मैं आपको इसके बाद एक और जगह पे लेके जाऊंगी, वहाँ भी बहुत मज़ा आया। हम लोग गए हैं तो वहाँ एक कॉन्सर्ट हो रहा था, तो आए यहाँ पे यंग बच्चे जो होते हैं ना टीनेज, वो लोग यहाँ पे थे। यहाँ भी फुल इंजॉयमेंट हो रही है, ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं अपनी जिंदगियों के साथ, अपनी तक ही रखते हैं और इंजॉय करते हैं और चिल करते हैं। हम लोगों ने फिर घर जाना था, घर जाके मुझे कुकिंग करनी थी, लेकिन आज मुझे कोई ऐसी वैसी कुकिंग नहीं करनी थी। आज मैंने बहुत मज़ेदार ना पैरी पैरी चिकन बनाया था, विंग्स जो बनाए थे सब में गार्लिक ब्रेड थी, बहुत इंजॉय किया। ये देखिए, ये अपनी बेटी है, ये इसके साथ पता है कौन है, उसके साथ फुल इंजॉय कर रहा है, डांस वांस कर रहा है, खुश चिल चिल। ये देखिए इर्द गिर्द सब लोग ही लोग हैं, साथ साथ क्लीनिंग भी हो रही है। अब तो बड़ी ईद आने वाली है, आप लोग बताएं कैसी तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, और आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू। और ये देखिए मैं घर आई, मैंने फटाफट ना ग्रिल किए विंग्स, साथ फ्राइज बनाए, साथ में गार्लिक ब्रेड बनाई क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी, तो हमने डिनर में ये खाया। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।